सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। और मैं कई दिन से जो है कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो गया था, वायरल फीवर आ गया था, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से बात किया जाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज ये 2021 का मई स्टार्ट हो चुका है और हम अपने सभी साथियों को भी बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने अभी पिछले लास्ट मंथ अप्रैल में बहुत अच्छी क्लोजिंग की है और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके गए। और इस बार हम इस मई मंथ में और अच्छा करेंगे और इस अच्छा करने के लिए कंपनी ने भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बहुत सारे ऑफर्स दिए हुए हैं, जिसका अगर हम बेनिफिट ले लें तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आज बात करना चाहूँगा कि अपने कंपनी में जो अभी नए ऑफर्स स्टार्ट हुए हैं, कुछ पहले से चल भी रहे हैं और कुछ अभी नए स्टार्ट हुए हैं, पहली तारीख से अनाउंस हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी जो वेट करते रहते हैं शायद उनको जानकारी नहीं हुई होगी, तो उनको भी जानकारी हो जाएगी कि हमारे मई मंथ में क्या ऑफर चल रहे हैं और कैसे हम टीम के साथ इसका बेनिफिट दिला सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला ऑफर तो अभी चल रहा है जो रीपरचेज के रूप में आप जो मसाले हमारे ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं कोल्ड ग्राउंडिंग वाले, उसमें आप 2300 रुपये का बिल बनाते हैं डीपी रेट का, और मसाले कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ मसालों की रेंज के लिए है। और आप जो है एक i3 जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है 1 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा शानदार ऑफर है। और साथ साथ में कंपनी ने भी कह दिया कि जो लोग कंसिस्टेंसी को रन कर रहे हैं उनका भी इंक्लूड इसमें हो जाएगा, जिनका 5000 का चल रहा है वो 2700 रुपये और ऐड कर लें, 5000 का बिल बना लें, जिनका 2000 का चल रहा है तो उनका ऑलरेडी 2300 रुपये में हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही शानदार ऑफर है जो कि सिर्फ 5 दिन तक के लिए, यानी आज 2 तारीख हो गई है, आप 5 मई तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ इस समय कंपनी ने की, क्योंकि इस कंपनी में इस समय जो सेकेंड इनकम को लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी तक जो सेकेंड इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस, पहला है एक्टिव बोनस और दूसरा है कंसिस्टेंसी बोनस। एक्टिव बोनस के लिए कई बार हमारे ऑफर आए, पिछली बार भी कोरोना रिलीफ फंड के रूप में आया था, लेकिन कंसिस्टेंसी बोनस के लिए ऑफर नहीं आया। और आज बहुत खुशी हुई है, बजाते हुए हो रही है, क्योंकि 3 महीने पूरे करने के बाद जब कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं तो फिर हम लोग रिलैक्स में आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो बड़ा पड़ा हुआ 50,000 बीबी का है। तो सबसे बेहतरीन इस बार क्या हुआ है कि कंसिस्टेंसी बोनस वालों के लिए भी इस बार ऑफर आ चुका है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है कि जब आप 3 महीने पूरे कर लेते हैं एक्टिव बोनस के तो आप कंसिस्टेंसी जो है आपके स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी कंपनी ने आपको इस बार रखा है और अपने टर्नओवर का 2% आपको एक्स्ट्रा दे रही है। यानी कि आप जब पहली इनकम दूसरी इनकम क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कंसिस्टेंसी बोनस जब आपके पास आने लगता है, तो आप इसमें कंपनी के अपने टर्नओवर से जो बेनिफिट होता है उसमें से 2%, इसके अलावा जो पहले चल रहा है वो ऐसे सच है लेकिन और एक्स्ट्रा क्या किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी मई की क्लोजिंग आप करेंगे तो कंसिस्टेंसी बोनस वालों को भी 2% मिलेगा, और मेरे ख्याल से उसका पॉइंट वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होगा, 500 से प्लस ही जाएगा। तो आप लोग लग जाइए, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और जो लोग जो है सुपर एक्टिव ले रहे हैं उनका पहले से ही 2% चल रहा है। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, जो लोग कार फंड इस बार लेंगे, यानी कि जो कार फंड जिनका रिलीज होगा उनको भी कंपनी 2% एक्स्ट्रा दे रही है। यानी कि जब उनका कार फंड मैच होगा तो आप 2% एक्स्ट्रा में आप बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। इसके अलावा तीसरा हमें दिया है, जो लोग कार फंड हाउस फंड को कंप्लीट करके आगे बढ़ गए हैं, यानी कि सभी इनकम को क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनके लिए कंपनी ने क्या किया, उनके लिए किया है कि आप जो है 1-1 लाख की मैचिंग करेंगे तो आपको 2% रखा गया, यानी 1-1 लाख की मैचिंग पे भी 2% एक्स्ट्रा पॉइंट वैल्यू बहुत अच्छी आएगी। तो ये 3 और ऐड हुए हैं इस समय, पहला जो है कंसिस्टेंसी 2%, दूसरा कार फंड जो ले रहे हैं उनके लिए 2%, और जो लोग 1-1 लाख की मैचिंग करेंगे उनके लिए भी ये कोरोना रिलीफ फंड के रूप में ये हमें एक्स्ट्रा जो है जो अब बोनस में ऐड होके आएगा। तो आप लोग इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, और मैं इस समय जो है बढ़िया तरीके से इसको कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मतलब सीधा, सेलिंग का मतलब बिक्री। हमें जो है लोगों तक पहुँचना है और अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करना है, पर जो सामान उनको पसंद आता है उसके बारे में हम उन्हें बताएँ, समझाएँ और उनको दें, क्योंकि इससे ही हमारी सेल बढ़ी होगी। हम लोग कोई नेटवर्किंग वाले नहीं हैं कि टीम बनाते रहें और टीम छूटती जाएगी और हम जो है
फिर जीरो पे आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ये डायरेक्ट सेल करने का कॉन्सेप्ट है। और कंपनियां बहुत सारे तरीके ऐसे कर रही है जिससे हमारा सेल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी आप टेलीविजन पे ऐड आ रहा है, उससे भी सेल आसान हो जाएगी। तो आप फोकस कीजिए, आप लीडर हैं किसी भी लेवल पे पहुंचे हुए, मेरा खुद का मानना है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा था इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर आप सामान को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, डायरेक्ट पहुंचाएंगे, तो यही चीज़ नीचे फिल्टर हो जाएगी, यही चीज़ नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े टर्नओवर को क्रिएट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं ट्रेनिंग अटेंड करो, हम लोग बोलते हैं लोगों को ज्वाइनिंग करो, सामान दे के आओ, हम लोग सिर्फ लोगों को सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं। मैंने खुद पिछले महीने, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, अभी मैं उसका बिल बना रहा था, करीब करीब 27,596 रुपये का मैंने खुद रिटेल किया। अब आप सोचिए 27,000 का मतलब 30,000 के समथिंग, 30,000 में आप देखेंगे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आ जाता। आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जब खुद क्रिएट करने लगते हैं, कहीं पर भी आप डाल के किसी को भी आप उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अपनी टीम को बहुत फास्ट आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, और ये मैंने 24 तारीख तक किया, उसके बाद में थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो गया था। 24 दिन की जो मेरी रिटेलिंग है वो 27,596, आप सोचिए। तो इस तरीके से लोगों को मैंने सामान दिया और लोगों ने, आप डिमांड करते हैं। अभी इसी तरीके से आपको क्या करना, आप किसी भी पायदान को, मैं कहता हूँ गारंटी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अपनी सेल जो रिटेल सेल है वो ज़रूर, आप कुछ काउंटर्स हैं, जैसे मैं बहुत सारे शॉपकीपर के पास, बहुत सारे हमारे दुकानदार हैं, बहुत सारे हमारे ग्राहक हैं, परमानेंट ग्राहक हैं जो हमसे लेते हैं सामान, कुछ हमारे मेडिकल स्टोर वाले हैं, इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को परमानेंट कर रखा है जब वो हमारा रिटेल ले लेते हैं। कुछ लोग जो है डीपी पे ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मार्जिन एमआरपी पे हम ले लेते हैं। तो कुल मिला के हमारा सामान जब हैबिट पड़ जाएगी तो आपको आने वाले समय में एमआरपी का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने आप सबसे पहले कमर कसिए और रिटेल को फोकस कीजिए। जब रिटेल आप करेंगे, वही चीज़ आप नीचे बताएंगे, ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इसके अलावा और कोई नहीं, इसे मतलब डायरेक्ट सेल करना ही पड़ेगा, तभी आप बड़ा टर्नओवर कर सकते हो। और जब आप डायरेक्ट सेलिंग की आदत खुद डाल लेंगे और लोगों की भी डलवा देंगे, तो आप समझिए लोग टीम के आएंगे, लोग टीम के चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ये सेलिंग रिटेलिंग की जो हैबिट पड़ चुकी है, परमानेंट आपने जो कस्टमर बना चुके हैं, परमानेंट आपने रिटेल काउंटर बना लिए हैं, तो आप कभी भी जीरो पे नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका पे आउट बनेगा। क्योंकि मैंने भी देखा था, कुछ लोग हमारे साथ आए थे, चले गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने रिटेलिंग की आदत पहले से डाल रखी थी और हमने अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। तो मेरा आज सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग रिटेलिंग पे फोकस कीजिए, यही डुप्लीकेट कीजिए, आपका बिजनेस बहुत तेज जाएगा। और इस बार रिटेलिंग करना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक्टिव बोनस वालों को 2% एक्स्ट्रा मिल रहा, कंसिस्टेंसी वालों को 2% एक्स्ट्रा मिल रहा, उसके बाद सुपर एक्टिव जो करेंगे उनको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा, कार फंड जो करना है उसको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा, उसके बाद अगर आप 1-1 लाख की मैचिंग कर लेते तो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा, 3-3 लाख वालों को भी 2%। मतलब ऐसा कोई कैटेगरी नहीं छोड़ा है कि आपके ग्रुप में एक बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के हर बंदे के लिए कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है। और इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप खुद रिटेलिंग करेंगे और लोगों से रिटेलिंग करने की हैबिट डलवाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि, मुझे पूरा यकीन है आपका बिजनेस बहुत शानदार जाएगा, और ओके लाइफ केयर बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे जो है स्पीड में आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग इसमें सीरियसली अपना कैरियर बना रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है आपका भी इसमें कैरियर बनेगा। तो ज़रूर आप जो है इसको फोकस कीजिए, और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव को जो सहन कर लेता है वही बेहतर लीडर बनता है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है पड़ाव कि आप उतार चढ़ाव को झेलते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।